जाने माने व्यंगकार राजीव ध्यानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रणाम वालेकुम चचा। वालेकुम प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाती है कि वो राम विरोधी है, वो मंदिर विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, कैसे देखते हैं इन बयानों? देखिए, राम विरोधी वो है, तुलसीदास जी को उद्धृत करता हूँ मैं, वो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को सिर्फ प्रेम ही पसंद है, प्रेम ही प्रिय है, और जो लोग प्रेम के विरोध में हैं, जो लोग सद्भावना के विरोध में हैं, जो यकजहदी के विरोध में हैं, वो कैसे राम जी को प्रिय हो सकते हैं? राम राज्य की कल्पना है जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम प्रताप विषमता खोई, राम जी के प्रताप से उनके पूरे राज्य में विषमता समाप्त हो गई। राम कथा के बारे में कहा गया है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा ऐसी है, उसको सुन करके संशय के पक्षी उड़ जाते हैं, जैसे आपके अनाज चरने के अनाज के ऊपर पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और आप ताली बजा के उनको भगाते हैं, ऐसे ही राम कथा को सुनने से संशय समाप्त हो जाता है। और ये ऐसे लोग हैं जो संशय, जो वहम, जो अफवाहें, इन चीज को आधारित करके अपनी राजनीति चलाते हैं। सी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल बना रही है चुनाव जीतने के लिए, सीधे सीधे आप ये आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 पार। नहीं, 400 तो किसी कीमत पे पार नहीं है, 400 पार उनका नारा है, अच्छा है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने आप को खुशफहमी में रखने के लिए 400 पार का नारा, हमें तो 220-25 पार होते भी नजर नहीं आ रहे हैं। 220-25 पार भी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया था 140-150 बहुत से बहुत। अब राहुल जी को भी कहना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा जो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो 220-25 के ऊपर नहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों स्थितियों में सरकार नहीं बन रही है और मुझे तो ये संभावना पूरी दिख रही है कि चुनाव के बाद में एनडीए में बहुत बड़ी फूट पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी फूट पड़ेगी और तब राम राज्य प्रारंभ होगा। कैसे कह सकते हैं सर कि फूट पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी में और पार्टी टूट जाएगी? नहीं पड़ेगी, देखिए ये सब ये लोग जो जुड़े हुए, अब उदाहरण आप देख लीजिए कितने प्रतिशत उनके सांसद प्रत्याशी ऐसे हैं जो उनकी अपनी मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, उनमें कम से कम एक तिहाई ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आयातित हैं, तो ये सब लोग लौटेंगे वापस अपने घर, तो एक बड़े पैमाने पे घर वापसी होगी। अब ये कांग्रेस के और दूसरी पार्टी के ऊपर है कि वो उन्हें वापस लेने को तैयार है या नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग लौट करके वापस आएंगे, तो पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद में अगर बहुमत से 20 सीटें भी कम रह जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, मैं तो 225 ही कह रहा हूं सिर्फ, और पूरे एनडीए को मिलाकर के भी ये कहीं बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एनडीए के इनके पार्टनर्स भी छोड़ करके जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं वो भी छोड़ करके जाएंगे। अब दल बदल विरोधी नियम लागू होगा या नहीं होगा, ये कैसे हो पाएगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे नरेंद्र मोदी सत्ता से जाते हुए दिख रहे हैं। राजीव जी, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन स्वयं नरेंद्र मोदी का होगा। पिछले 20 दिनों में उनके जो बयान है, उनके बयानों ने कम से कम 20-25 सीटें उनकी कम कर दी है। जो मध्यम वर्ग, एक शहरी सवर्ण मध्यम वर्ग जो उनका ट्रेडिशनली उनका जो कोर वोटर हुआ करता था, वो इस समय उनके इन बयानों से और इस तरह की हरकतों से नाराज हो रहा है। तो आप समझिए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो उनके उनके विचार को पसंद करते हैं और उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पिछले दो चुनाव में उनको वोट डालते रहे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा का इन्होंने हनन किया है, क्षरण हुआ है उसमें, उसको देख करके बहुत लोग नाराज हैं। राजीव जी, आप हर मुद्दे पे पहली नजर रखते हैं और व्यंग के जरिए उस पर अपनी बात भी कहते हैं, तो क्या कुछ मुद्दे आपके सामने इस बार लोकसभा चुनाव में हैं? ये चुनाव के मुद्दे, एक तो चुनाव के ज्यादातर मुद्दे आर्थिक मुद्दे हैं, इस समय बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है, लोग आजीज आ चुके हैं। भारत एक शांति प्रिय समाज है कुल मिलाकर के, पिछले कुछ समय में जो भी अशांति फैलाने की कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन भारत के लोग अमन चैन को पसंद करने वाले लोग हैं, तो लोग ऊब रहे हैं। तीसरी जो प्रमुख बात यह है कि ये कुछ भी करके दिखा नहीं पाए, पिछले 10 सालों में अगर कुछ भी एक भी कोई कायदे का काम किया होता, मैं याद करता हूँ कि पिछले चुनाव तक, 19 के चुनाव तक और उसके बाद तक भी, यूपी के 2022 के चुनाव में भी, ये कुछ अपनी उपलब्धियां गिनाते थे कि उज्ज्वला के बारे में
में बात करते थे, कहीं हाईवेज के बारे में बात करते थे। इस चुनाव में देखिए आप, एक दिन भी आप प्रधानमंत्री के पिछले 10 भाषण निकाल के देख लीजिए, उनमें से एक भी भाषण विकास के ऊपर, उनकी अपनी अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के ऊपर केंद्रित नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस की कमियों के ऊपर केंद्रित है। मजेदार चुनाव इस लिहाज से हो रहा है ये कि पहली बार अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत में आ जाए और उसे भारत की राजनीति के बारे में कुछ पता ना हो और वो प्रधानमंत्री के 5 भाषण सुन ले और राहुल गांधी के 5 भाषण सुन ले, राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेता, इंडिया अलायंस के नेता और दूसरा नेता भी जो अलायंस के बाहर है, वो सभी लोग अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, आने वाले वायदे कर रहे हैं कि हम कैसे विकास करेंगे, उसका एक रोड मैप दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री वो विपक्ष की भूमिका में वो गिना रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, ममता जी ने क्या नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया। तो ये पूरी तरह से एकदम से रोल रिवर्सल में आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी 2024 की संभावित हार को देखते हुए हमें तो लगता है कि उन्होंने अपना मूड बना लिया है कि आगे विपक्ष के नेता की भूमिका कैसे निभानी है, और वो उसी भूमिका में आ गए। ये 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कुछ नजर आया इसमें आप? 3 चरणों के चुनाव में तो वो नारा कुछ लोगों ने दिया है, कांग्रेस ने भी उसको अपना लिया है, इंडिया अलायंस के लोग भी कह रहे हैं कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। अब तो हमें लग रहा है नॉर्थ में भी लोग कह रहे हैं भैया माफ करो, तो हाफ, साफ और माफ। बहुत शुक्रिया सर, बात थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने व्यंगकार राजीव ध्यानी जी थे, जो साफ तौर पे ये कह दिया है कि नफरत की राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। राम की चौपाई के साथ उन्होंने उदाहरण दिया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी के ऊपर हमला बोलती है, उसी अंदाज में राजीव ध्यानी ने भी उनका जवाब दिया है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान।